नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC उड़ान में। गाइस, हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा आप लोगों को पता है, अब आपके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और जल्द ही आपके एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी, तो क्यों ना हम लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। ठीक है, इससे पहले भी मैं आप लोगों के इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी करा चुका हूँ, जिसमें पहले काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। अब हम फिर से इस दौड़ में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है गाइस, आज हम लोग सिर्फ देखेंगे सिलेबस के बारे में, किस तरीके से सिलेबस है स्टेनोग्राफर का, ग्रुप सी का और ग्रुप डी का। ठीक है, क्या पैटर्न रहता है इनका एग्ज़ाम आने में, ठीक है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे और मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स बताऊंगा, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को करना क्या होगा, कमेंट करना होगा, कमेंट में बताना होगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट में वीक हैं और किस सब्जेक्ट में आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है मुझे। ठीक है, आप लोगों को किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए, ये सब आपको कमेंट में ज़रूर बताना होगा। कमेंट जरूर करिएगा गाइस, तभी मैं आप लोगों की बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस जो रहेगा वो तीनों के लिए सेम ही रहेगा, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, चाहे वो ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, सब में ओवरऑल एक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बस क्या रहता है, एग्जाम लेवल का टफ हो जाता है, कहीं पे इजी आता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफर की तो थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश आती है, ग्रुप सी में थोड़ा उससे कम आती है और ग्रुप डी में बिल्कुल लो लेवल की इंग्लिश आती है। लेकिन हम लोग जब तैयारी करने के लिए आए हैं तो हम लोग सभी पैटर्न की अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो इंग्लिश के सिलेबस में हम लोगों को देखने को मिलता है सिनोनियम्स और एंटोनियम। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, वोकैब की बात करें, तो वोकैब में हमें दो पोर्शन मिलते हैं, एक मिलता है हमें सिनोनियम्स और दूसरा मिलता है एंटोनियम्स और तीसरा मिलता है इडियम्स, फेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स की, तो इसमें आप लोगों को दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिनिमम। ठीक है, दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं और दो ही आपके एंटोनियम्स आने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजेक्शन और प्रिपोजिशन, इन सबसे मिला के देखिए गाइज आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो इन सब से मिलाकर ये हमारे सारे ग्रामर के टॉपिक हैं। ठीक है, ये सारे हमारे ग्रामर के टॉपिक हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें क्वेश्चंस किस टाइप में मिलेंगे, या तो वो फ्लिप के टाइप में होंगे, फिलिंग दी ब्लैंक के टाइप में होंगे, या फिर इंप्रूवमेंट के टाइप में होंगे, या फिर एरर फाइंड करना होगा हमें, ए बी सी डी जैसे भी आता है उसमें एरर फाइंड करना होगा किस पार्ट में एरर है। अगर नहीं है तो डी होता है ऑप्शन, नो एरर का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन सारे टॉपिक से आप लोगों का ये पूरा ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस ग्रामर से आप लोगों का फिलिंग दी ब्लैंक्स आते हैं और इम्प्रूवमेंट्स आएंगी और फाइंड एरर्स आएंगी। अगर मैं बात करूं गाइज मॉडल्स की, तो मॉडल्स में एक क्वेश्चन आपका गारंटेड आना ही आना है। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को एरर्स में भी क्वेश्चन मिल जाता है और इम्प्रूवमेंट में भी क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एक दो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कौन सा ऐसा चैप्टर लग रहा है जो आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर माने तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर की जान है, ये सबसे पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैंने जब तैयारी कराई थी तो मैंने उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले कराया था। ठीक है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिले थे बच्चों को और उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस देखा, आंसर को फाइंड करके आगे बढ़ गए थे। ठीक है, ऐसे ही हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, इन सब से आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमको रूल्स वगैरह पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो तीन क्वेश्चन आपके मिनिमम आने ही आने हैं, वन वर्ड से तीन मिल जाए या फिर दो मिल जाए, इनमें से आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तीन आ सकते हैं या फिर दो आ सकते हैं। इडियम्स फेजेस भी अगर मैं बात करूं तो तीन या फिर दो आ सकते हैं। पैसेज की बात करूं तो पैसेज में पांच क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये मैंने आप लोगों का पूरा सिलेबस एकदम ब्रीफली अच्छे से डिटेल्स करके बता दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे देखिए मैथ्स के बारे में, क्योंकि मैथ्स जो रहता है अक्सर बच्चे का बहुत वीक रहता है, तो हम लोग मैथ्स की भी डिटेल में इसी तरीके से एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। अभी आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, मैथ्स की जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो मैं उसमें टॉपिक पूछूंगा जो भी मुझे स्ट्रांग लगेंगे आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से आपका एग्जाम आता है मैं सेम पैटर्न पे कराने वाला हूँ और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस बात की गारंटी रखिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी सब्सक्राइब कर लें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए।
ठीक है, मैथ्स रह गई आप लोगों की और हिंदी रह गई। तो हिंदी अमूमन बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैथ्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहता है और इंग्लिश में। तो मैं जो आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा, मैथ और इंग्लिश को फोकस रखते हुए कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अभी आप लोगों को करना क्या है, कमेंट करना है इंग्लिश के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट पहले इस तरीका कराया जाए, कौन सा आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो हम जैसे ही हम लोगों का डिस्कशन हो जाएगा पूरा, फिर हम लोग तैयारी कर देंगे, जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ जनवरी में स्टार्ट कर दिया जाए आप लोगों की प्रिपरेशन, और डेली मैं वीडियो आप लोगों के लिए डालने लगूँ। प्रैक्टिस सेट भी मैंने काफ़ी डाले हुए हैं, अगर कोई बच्चा नया है जो नहीं जानता किस तरीके से पेपर आता है, तो वो मेरे प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो भी देख सकता है, जिससे उसको अंदाजा हो जाएगा मैं किस तरीके से प्रैक्टिस कराता हूँ एग्ज़ाम होने पर, ठीक है। तो अभी तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।